तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल छोड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये है मारुति ओमनी। अब जो जैसे मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम जैसे मैं बताऊं, देखो स्लो की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं देखो, और ये गाड़ी जैसे मान लीजिए वाइब्रेट कर रही है देखो, है ना, और ये बंद भी हो जाएगी जहाँ तक है। ये देखो कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम। एक तो ये वाइब्रेटिंग यानी इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्लो में, और कहीं भी जैसे अपन ब्रेकर पर ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो उसके बारे में ये वीडियो। तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि भैया हमारी गाड़ी पेट्रोल पे चालू नहीं है, हम ओरिजिनल गैस पे, तो गैस पर कैसे साफ़ करें। तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो इसके नीचे से ना ये दो बोल्ट, यहाँ के दो बोल्ट ये देखो मैंने खोल लिए हैं, ये 12 नंबर पाने से दो बोल्ट खोलने हैं। एक ये पाइप है इसको पीछे सरकाना, और एक ये क्लिप खोलनी, और अपन को ये एयर क्लिंजर यूँ निकाल कर यूँ हटा लेना है। देखो फिर जो अपना ये गैस का जो पाइप है ना, जो ये पाइप है ना, ये जा रहा है यहाँ पे लग रहा है ना, इसको हटाना है, तो मैं हटा लेता हूँ एक सेकंड। तो जैसे कि दोस्तों देखो मैंने ये पाइप हटा लिया है ना यहाँ से, है ना। अब इसको दूर कर लेना है, जैसे आप लोगों की गाड़ी प्योर गैस पे ही है ना, तो उस कंडीशन में आप थ्रोटल बॉडी कैसे मारोगे। हाँ जी, थ्रोटल बॉडी स्प्रे देना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ सीट पर। अच्छा, तो देखो जो भी ये परेशानी होती है ना आप लोगों के, जैसे गाड़ी स्लो में बंद हो रही है, या सुबह सुबह यानी स्टार्ट होने के बाद में थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता है इंजन, उसके बाद में यानी कि फिर रेस पकड़ता है, तो वो सारी प्रॉब्लम एक छोटी सी चीज़ से दूर होएंगी। देखो ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर स्प्रे है, इस तरीके से आपको बाजार से खरीद लेना है। और आपको करना क्या है, एक मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, इसका पाइप वगैरह लगा लेता हूँ। पाइप है या नहीं है इसमें? पाइप नहीं है, चलो कोई ना। तो देखो दोस्तों ये रहा थ्रोटल बॉडी स्प्रे। अब आपको करना क्या, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी गैस पर है, पेट्रोल पर चालू नहीं है, गैस पर ही है, तो आपको ये पाइप को इसके यहाँ पर अंदर यहाँ पर घुसा देना है यूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो आपके सामने घुसा दिया है ना, और फिर आपको करना क्या, गाड़ी स्टार्ट करनी है। देखो ये गाड़ी स्टार्ट पेट्रोल पे लेना, नहीं नहीं गैस पे करनी है, मेरे को गैस पे करना है सब कुछ। देखो ये इसको और अंदर घुसा देता हूँ मैं, है ना, अब स्टार्ट करता हूँ। देखो अब ये देखो गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों, है ना, पर ये हल्की सी एक्सीलेटर पे स्टार्ट है बस, ज़्यादा पे नहीं है। तो ये पाइप भी लगा देता हूँ मैं एक सेकेंड, ताकि अच्छे से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पाइप हटा दिया। आप देखो गाड़ी गैस पर ही है, देखो है ना, और गाड़ी स्टार्ट भी रह रही है। अब आपको इस तरीके में थ्रोटल बॉडी साफ करना है, तरीका क्या है, यानी गाड़ी यूँ स्टार्ट कर ली और फिर यूँ रेस रखना है गाड़ी को, और ये स्प्रे मारनी। देखो बिल्कुल एकदम नई निकल गई, और ये पूरी यानी अंदर तक वाल तक क्लीन हो गए। अब क्या है, जैसे अपन गाड़ी चलाएंगे और स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे कि गाड़ी बंद हो जाती है ना ब्रेकर पर ब्रेक दबाने पर, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी में। अब तो मैं सारा सेटअप लगा देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देखो इतनी सी यानी ये छोटी सी स्प्रे से कितना फ़ायदा हो जाता है। जो वाइब्रेट कर रही थी ना गाड़ी, वो भी नहीं करेगी। अब ये स्लो में कहीं पर दचकों में जाके जैसे अपन ब्रेक दबाते हैं ना गलत दबा गए, तो बंद हो जाती है, वो भी नहीं होगी। तो चलो मैं सेटअप कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि देखो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, ये लगा देता हूँ। अब देखो आप देखो कितना फ़र्क आएगा, यानी एक थोटो बड़ी स्प्रे मारते ही देखना। अब जो पहले था ना देखो वाइब्रेट इंजन में, ख़त्म। गाड़ी देख लो गैस पे ही है, ये देखो हमें पैर भी हटा लेता हूँ। देखो एक्सीलेटर पे से ये देखो अब इंजन में वाइब्रेट ख़त्म बिल्कुल। ये यानी एक छोटी सी स्प्रे से ये फ़ायदा होता है, और जिनकी गाड़ी सिर्फ गैस पर है ना यानी पेट्रोल पर चालू नहीं है, वो इस तरीके से थ्रोटल बॉडी क्लीन कर सकते हैं अपनी घर पर ही। और अपनी गाड़ी की यानी स्लो में बंद होने की प्रॉब्लम, और जैसे कि यानी मान लीजिए सुबह सुबह स्टार्ट करने के बाद में काफ़ी देर तक रेस पकड़ने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम एक छोटी सी स्प्रे से हो जाती है ख़त्म। तो ये आप लोग देखो बाजार से खरीद के और आप खुद डल लो, आप खुद घर पर मार सकते हो। ये देखो इसकी आपको रेट भी दिखा देता हूँ, क्या रेट है, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। क्या रेट है बड़े डिब्बे की, 330 रुपये MRP है दोस्तों।
330 रुपये MRP है बड़े वाले डिब्बे की, जो एक बार खरीदो और करीबन 3-4 बार चल जाएगी आपके। और ये देखो आप पूरी देखो, आप खुद देखो वाइब्रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाड़ी में, ये देखो। यानी एक सिर्फ हल्की सी स्प्रे मारने से, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदे की है। आप लोग खुद अपनी गाड़ी की यानी स्लो में बंद होने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आप खुद दूर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, देखो चाहे मारुति इको हो चाहे मारुति ओमनी हो, अगर जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है भाई, गाड़ी स्लो में बार बार में जैसे कहीं कलच दबाने बंद हो रही है और अपन ने थ्रॉटल बॉडी में मार ली तो भी नहीं हो पा रही, तो देखो इसके पीछे आने एक सेंसर आता है, देखो वो जो शॉकेट लग रहा है, देखो वो वाला उस पर एक दो स्क्रू आते हैं जिन्हें ढीला करके उससे थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है, जिससे एक्सीलेटर की जो स्लो की प्रॉब्लम है वो वहाँ से भी सेट होती है। कई बार क्या होता है, कई लोगों का कमेंट आता है भैया कहाँ से सेट करूँ मैं परेशान हूँ, तो मैं बता दूँ इको में भी वहीं पर आता है और ओमनी में भी वहीं पर आता है। तो ये देखो दोस्तों, और अब देखो, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो या आपको कोई भी एडवाइस चाहिए हो मैकेनिकल या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।